तो जब जब कोरिया और के पॉप ये वर्ड्स आपके मन में आते होंगे, आई एम श्योर दो ग्रुप BTS और ब्लैकपिंक आपके मन में ज़रूर आते होंगे, क्योंकि दोनों ही बैंड्स ने कोरिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और बहुत सारे लोग आज के पॉप को इन्हीं की वजह से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी डार्क साइड ये भी है कि भले ही BTS ब्लैकपिंक ने दुनिया भर में के पॉप को फेमस किया है, लेकिन आपस में इन ग्रुप्स के बीच कभी नहीं बनी। आपस में इनके फैंडम्स में हमेशा फैन वॉर चलती ही रहती है ये प्रूव करने के लिए कि कौन सा बैंड बड़ा है, बेटर है और किसने के पॉप को पहचान दिलाई है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ब्लैकपिंक और BTS की फैन वॉर की ये कंट्रोवर्सी शांत थी, लेकिन एक बार फिर कल से पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, जैसे के पॉप फैंडम्स या कहूँ BTS वर्सेस ब्लैकपिंक आपस में भिड़ चुके हैं और एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैन वॉर देखने को मिल रही है। जी हाँ आर्मी, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई कल जब BTS लीडर किम नामजून ने फाइनली काफी महीनों बाद अपना कमबैक किया, वो भी रैपर पॉप स्टार मेगान दी स्टेलियन के साथ, जब उन दोनों का नया कोलैब सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम नोवा है, जिसमें RM ने धमाकेदार रैप किया है। लेकिन इस रैप के अंदर पहली बार 11 सालों में BTS लीडर RM ने खुलकर सॉन्ग्स की लिरिक्स के अंदर इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि BTS ने एशियन मैन के लिए रास्ता बनाया है, BTS पेव्ड द वे। हमेशा उनसे पूछा जाता था कि K-pop में किसने बाकी आर्टिस्ट के लिए रास्ता बनाया है, तो BTS हम्बल होकर कभी इसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन RM ने पहली बार सॉन्ग में पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे दूसरे फैंडम्स ऑफेंड हो गए, स्पेशली ब्लिंक्स, जिनका कहना है कि उनके फेवरेट K-pop आइडल्स ने K-pop के लिए रास्ता बनाया है, जिसके बाद नामजून को उनकी इन लाइंस के लिए बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी और सोशल मीडिया पर ये फैन वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनोगे तो RM बोल रहे हैं उन्होंने मेल आर्टिस्ट के लिए रास्ता बनाया है, उन्होंने किसी और ग्रुप की डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, और ये बात तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि BTS ने 11 सालों में बाकी एशियन आर्टिस्ट के लिए, K-pop के लिए क्या कुछ किया है। अगर आप लोगों को नामजून के इस नए सॉन्ग को लेकर और उनकी यूज की गई इस लाइन को लेकर क्या लगता है, क्या सच में इसे लेकर फैन वॉर होनी चाहिए या BTS ने सच में रास्ता बनाया है, अपनी राय कमेंट्स में बताना।